Hey guys, welcome back to your channel. My name is Balram and I am certified investment advisor. तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट मंडे के इंट्राडे स्टॉक्स, जानेंगे वो टारगेट लेवल्स जिस पे हम अपना एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं और वो भी एक प्रॉपर लॉजिक के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर जिस पे आप अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आज यहां पे देख सकते हैं, यूएस मार्केट काफी ऊपर क्लोज होने की वजह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स में एक शार्प रिकवरी देखने को मिलता है। निफ्टी अपने फ्यूचर लेवल्स में 14,800 के ऊपर आ चुका है और इवन आप बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है उसे 32,200 के ऊपर यहां पे देख सकते हैं। इसकी वजह से हमें मंडे को यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जिसपे आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लेने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है यह है लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक, जिसमें Q4 रिजल्ट्स के बाद हमें एक शार्प रैली यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद ये जो रैली देखा गया है, इसके वजह से ये बुलिश मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू आपको रहता हुआ दिखाई दे सकता है। और क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस यानी एक सप्लाई जोन के काफी क्लोज क्लोजिंग देने की वजह से आप इसमें एक बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अगर कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो में यहाँ पे 1415 के ऊपर स्कैल्प ट्रेडर्स अपना लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप मोर देन 5 मिनट के कैंडल्स पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 1420 के ऊपर इसमें एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडर्स के केस में 1425 और 1430 के लेवल्स एज ए टारगेट के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1-2 मिनट के कैंडल को फॉलो करना है और आप इसके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 1406 के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे ट्रेडर्स 1420 के एंट्री पे यहाँ पे 1430 और 1435 तक के लेवल्स एज ए टारगेट के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है यह है CDSL, जिसमें कंटिन्यूअसली हायर डे लो फॉर्म होने की वजह से हमें यह बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन इसने यहाँ पे अपना एक नया 52 वीक हाई भी फॉर्म किया है, तो आपको इस रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन के ऊपर इसमें एक बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट मंडे को आप 830 के ऊपर कोई भी ओपनिंग देखते हैं तो आप एज ए स्कैल्प ट्रेडर यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको 1-2 मिनट के कैंडल्स को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटाइल है तो आपको अपना प्रॉफिट टाइमली बुक भी करना है, तो आप अराउंड 840 और 844 के लेवल्स पे अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आप 824 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरे स्टॉक में आप देख सकते हैं पॉलीकैम में एक बुलिश ब्रेकआउट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉक ने 1580 के ऊपर अपना एक ओपनिंग देने की वजह से यहाँ पे आप नेक्स्ट मंडे को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे एक नया 52 वीक हाई भी फॉर्म हुआ है, तो इसे देखते हुए अगर स्टॉक यहाँ पे 1600 के लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इंट्राडे लेना कंसिडर कर सकते हैं। उस केस में हमें एज ए स्कैल्प ट्रेडर यहाँ पे 1600 के ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट इसमें दिखाई दे सकता है, और हम यहाँ पे 1615 और 1621 के लेवल्स यहाँ पे एज ए टारगेट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट टाइमली बुक करते हुए चलना है, और एज ए स्टॉप लॉस आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1590 के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और इसका भी यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो काफी हद तक हाई रहने वाला है, तो इसके लिए आप 1-2 मिनट के कैंडल यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने पे आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेल करते हुए चलना है, जिससे आप
अपना प्रॉफिट को आगे यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और फाइनली और बात करें फोर्थ स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ पे प्रिंस पाइप का नाम आता है, जो कि ट्यूब फोर रिजल्ट के बाद इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 600 के ऊपर स्टॉक में जो ओपनिंग आई है उसके वजह से स्टॉक में ये कंटिन्यूस बाइंग आप मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसने अपना एक नया 52 वीक हाई भी यहाँ पे टच किया है, तो आपको यहाँ पे करंट लेवल्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मंडे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसे कंसिडर करते हुए अगर स्टॉक में आपको 635 के लेवल्स यहाँ पे अप टू 2 मिनट के कैंडल्स पे दिखाई देते हैं, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं। और एज ए टारगेट आपको 642 और 645 तक के लेवल्स यहाँ पे विद इन 30 मिनट्स यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। और एज ए स्टॉप लॉस हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, तो आप एज ए स्कैल्प ट्रेडर यहाँ पे 630 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट अचीव होते ही आपको एटलीस्ट 60-75% प्रॉफिट यहाँ पे टाइमली बुक करते हुए चलना है, और आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे भी आगे यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। इन सब के बाद अगर बात करें निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, तो हमें यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल्स पे निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखते हुए निफ्टी 14,705 के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग देता है, तो आप फ्यूचर साइड में एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लेना कंसिडर कर सकते हैं। और आपको अप टू 14,780 और 14,800 तक के लेवल्स यहाँ पे बाई साइड में टारगेट के तौर पे दिखाई दे सकता है। एज ए स्टॉप लॉस आपको अराउंड 14,650 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हैं, तो आप उससे भी कम स्टॉप लॉस यहाँ पे अपने लिए मेंटेन कर सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे 14,700 ब्रीच होने पे 14,800 और 14,900 के कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको बाय करना है। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत बुलिश मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है, तो आप एज ए ऑप्शन सेलर यहाँ पे 14,500 और 14,600 के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें बैक निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसे अगर कंसिडर किया जाए, तो 32,250 के ऊपर इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आपको यहाँ पे फिर से लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। उस केस में आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लेना कंसिडर कर सकते हैं, और आपको अराउंड 32,350 और 32,420 तक के लेवल्स एज ए टारगेट के तौर पे आपको दिखाई दे सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पे 32,250 ब्रीच होने पे यहाँ पे 32,000 और 32,100 के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और ऑप्शन बायर्स यहाँ पे 32,250 ब्रीच होने पे 32,300 और 32,400 के जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आप स्कैल्प ट्रेडिंग में बाय करना यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसे आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम डेली ऐसे ही मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते रहते हैं। रियल टाइम अपडेट्स पाना है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हमारे वीडियोस और बाकी पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको नीचे बेल आइकन पे ऑल को सिलेक्ट करना है। मेंबरशिप प्लान के डिटेल्स भी आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे, जहां पे हम आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और स्विंग पोजिशनल और मल्टीबैगर ट्रेड्स के डिटेल हम आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करें अगर आपको उन सब डिटेल्स के बारे में जानना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।